हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा सीपीसी का पेपर, यानी कि लॉ सेकंड ईयर बीए एलएलबी फोर्थ ईयर री एग्ज़ामिनेशन जो अभी हाल ही में हुआ है उसका पेपर है सीपीसी का, सिविल प्रोसीजर कोड एंड लिमिटेड एक्ट का जो हमारा पेपर है, बुकलेट नंबर है डी। इसको हम आज डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने के बाद हम जानेंगे कि कितने हमारा स्कोर बन पा रहा है। तो देखिए, इस बुकलेट के अंदर यानी इन पेपरों में और मल्टीपल चॉइस में क्या था कि 50 क्वेश्चन हमें करने होते हैं, कोई भी 50 क्वेश्चन करने होते हैं। जहां से आप स्टार्ट करते हैं वहां से 50 क्वेश्चन काउंट किए जाते हैं और लास्ट जहाँ फिनिश किए करते हैं वहाँ से आप 50 क्वेश्चन को काउंट किया जाता है। अगर आप मान लो 61 कर देते हैं या आपने 70 क्वेश्चन कर देते हैं तो फर्स्ट आपके 50 काउंट किए जाएंगे, वन से स्टार्ट, बाकी नहीं काउंट किए जाएंगे। तो चलिए बुकलेट की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सिविल प्रक्रिया संहिता किस धारा के अंतर्गत न्यायालय अंतर्निहित शक्तियों का प्रावधान किया जा सकता है या किया गया है, सॉरी। तो इसमें है धारा 151, यानी कि ए आपका राइट आंसर रहेगा, ओके जी। अब हम बात करते हैं, परिसीमा अधिनियम का प्रभाव आया था वो है बी, आपका बी में आया था 1963 में। परिसीमा अधिनियम 1963 निषेध करता है, किसको निषेध कर सकता है, अधिकार को निषेध करता है। परिसीमा अधिनियम 1963 किस धारा में परिसीमा की समयावधि को परिभाषित किया गया है, ये है आपका सेकंड जे यानी 2J में किया गया है। यहाँ पर है आपका परिसीमा अधिनियम 1963 धारा 3 लागू नहीं होती है, किस पर नहीं होती है, ये है आपका निष्पादित कार्यवाहियों पर। परिसीमा अधिनियम धारा 5 लागू नहीं होती है, इसमें है देखिए वाद अपील और आवेदन पर लागू नहीं होती यानी सभी पर। परिसीमा अधिनियम का निषेध लागू होता है, ओके सभी पर डी। परिसीमा विधि धारा 6 के मामले में प्रभावी होते हैं, प्रभावी कौन होता है, बीमारी, गरीबी, अल्पसंख्यक और उपयुक्त में से कोई नहीं, तो डी आएगा इसका आंसर, उपयुक्त में से कोई नहीं। परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 63 के मामले में लागू होती है, क्या लागू होती है, एक निर्धन व्यक्ति पर लागू होती है, एक वयस्क व्यक्ति पर और एक जड़ बुद्धि पर, एक पागल पर, किस पर ये लागू होती है उसकी बात हम करते हैं। देखिए एक निर्धन की बात है, इसमें एक पॉपर पर ये जो है धारा 1963 धारा 13 के मामले लागू होते हैं, ठीक है, एक निर्धन व्यक्ति पर, पागल और जड़ बुद्धि इन पर कोई मुकदमा दायर नहीं होता है, माइनर पर भी कोई मुकदमा दायर नहीं होता है। परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 15 लागू नहीं होती है, धारा 15 किस पर लागू नहीं होती, बाद पर होती है, निष्पादन कार्रवाई पर नहीं होती है और ये अपील पर लागू नहीं होती है। परिसीमा विधि है, प्रतिक्रियात्मक विधि, ओके आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर 12 से एक पेज मिस है, वो हमने जो है लास्ट में दे दिया है, आप उस पर लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। अभी 16 को देख लेते हैं। 16 क्वेश्चन है, धारा 13 के अंतर्गत विदेशी निर्णय पर आक्रमण के कितने आधार उपबंधित हैं, तो 6 हैं, ठीक है। सीपीसी की धारा 15 के अंतर्गत प्रत्येक वाद संस्थित होती है, किस पर वाद संस्थित होती है, तो ये होता है किसके अंदर, लोएस्ट ग्रेड पर, किस पर, अधीनस्थ न्यायालय, ओके। निवेदन करना चाहिए, किस पर निवेदन करना चाहिए, तथ्य और विधि पर, है ना, या तथ्य पर, तो तथ्य पर है इसका सही आंसर। सेट ऑफ में न्यायालय की फीस क्या होता है, इसका आंसर है ए एंड बी, योग्य भी होती है अयोग्य भी होती है, दोनों चीज़ें होती हैं। मुकदमा के निपटारे का वाद किया जाता है, इसका आंसर है बी।
प्रतिपूरक मूल्य लगाई जाती है? इसका आंसर है बी। किसी न्यायालय द्वारा पारित डिग्री के निष्पादन में कौन गिरफ्तार किया जा सकता है? कौन गिरफ्तार किया जा सकता है? एक व्यक्ति, एक महिला और एक अवयस्क। कौन गिरफ्तार किया जाता है? तो इसमें आएगा उपर्युक्त सभी। निम्न में से कौन सी संपत्ति की नीलामी डिग्री के निष्पादन में नहीं की जा सकती? तो ये है पेंशन की, जो पेंशन होती है उसकी नीलामी नहीं हो सकती। सीपीसी की धारा 80 प्रावधान बाध्यकारी है। उपर्युक्त सभी इसका आंसर है। अंतर्वाचीय बाद परिभाषित है किसमें? सेक्शन 88 में। प्राप्तकर्ता की नियुक्ति संबंधित है एक्सेल में। किसमें है? एक्सेल में। एक्स जो दिल्ली में निवास करता है, एक्स जो है दिल्ली में निवास करता है, जो कि वाई के विरुद्ध कलकत्ता में मानहानि का कारक कथन प्रकाशित करता है। एक्स वाई एक्स के विरुद्ध कहाँ वाद संस्थित करेगा, यानी प्रस्तुत करेगा कहाँ पर? तो देखिए इसमें लिखा है इसने भारत में कहीं भी, पर ऐसा नहीं है। या तो वो दिल्ली में कर सकता है या वो कलकत्ता में कर सकता है, दोनों में से कहीं एक जगह पर वो इसका वाद को अप्लाई करेगा, जिसके लिए उसे आगे जो है प्रोसीडिंग करनी पड़ेगी। ओके, सीपीसी की धारा 26 के अंतर्गत प्रत्येक वाद को निम्न में से किसके द्वारा सिद्ध किया जा सकता है? तो यह है एफिलिएटेड, यानी कि शपथ पत्र के द्वारा। किसी वाद में कौन कौन से व्यक्ति प्रतिवादी के रूप में सम्मिलित किए जा सकते हैं? जहां सामान्य विधि का प्रश्न सम्मिलित होता है वहां आप कर सकते हैं। साक्ष्य कौन प्रथमतः प्रस्तुत कर सकता है? साक्ष्य कौन कर सकता है? तो ये होगा वादी, जो वाद डिफाइन करता है वो, जैसे वाद जो लगाता है वो कर सकता है, जिसे हम प्लेंटिफ कहते हैं। ओके, ये है गार्नेशी होती है। गार्नेशी क्या होती है भाई? गार्नेशी की बात करेंगे तो गार्नेशी होती है जजमेंट डेप्टर और टू डेप्टर। तो निर्हित निर्णित श्रेणी का ऋण जो है वो होता है गार्नेशी। अब चलते हैं 32 की ओर। 32 है इसका जो आंसर है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के निम्न प्रदानों में से किसके निर्णय के पूर्व कुर्की का उपबंध किया गया है? तो आदेश 38, यानी कि आपका ऑर्डर 38 रूल 5-13 में आपका इसका जिक्र है। भारत सरकार या राज्य सरकार के विरुद्ध पारित की गई डिग्री कितने समय की निष्पासित नहीं की जाएगी? कितने समय तक वह निष्कासित नहीं की जा सकती है? अभी ये जो है ऑप्शन जो है हमारे डाउट में है, तो आप यहाँ पर इसे अभी आप ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की निम्न में से कौन सी धारा प्रत्यास्थापन का सिद्धांत सम्मिलित करती है? धारा 144। ओके, ठीक है जी, तो आप देख लेते हैं, फास्ट कर लेते हैं क्योंकि इस तरीके से टाइम बहुत लगेगा। 35 है व्यवहार का प्रक्रिया संहिता 1908 आदेश 7 नियम 1 संबंधित है। तो इसका आंसर जो है आप क्या लगाएंगे? ए। ओके, जहां न्यायालय अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं अनिश्चित हैं वहां वाद स्थगित करने का स्थान निर्धारित होता होगा। व्यवहार प्रक्रिया की संहिता कौन सी है? सेक्शन 18 के अनुसार पूर्ण न्याय का सिद्धांत होता है मैंडेटरी। ठीक है, व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत औपचारिक रूप से सम्मनस की तालमेल के पश्चात कितने समय में लिखित कथन पेश करना बताया गया है? 30 डेज। ओके, 39 का होगा आपका सी, 39 का होगा सी, 40 का आपका ए, 41 का आपका बी, 41 का बी, 42 का ए, 43 का सी, 44 का आप सी, 45 का ए, 46 का सी, 48 का, देखिए 47 का ए,
48 का आपका आएगा, 48 का आएगा आपका ए, यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत निम्न में से आधार पर निर्णित रेडी के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट न्यायालय द्वारा रद्द किया जा सकता है। किस पर? जब किसी को गंभीर बीमारी हो तो उसका वो वारंट रद्द किया जा सकता है। 19 आएगा आपका धारा 49 आएगा आपका धारा 144। न्यायालय वाद पत्र उस न्यायालय में प्रस्तुत किए गए जाने के लिए लौटा सकता है जहां वाद संस्थित किया जाना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा आपका बी, 51 का डी, 52 का आपका बी, 53 का आपका सी, 53 का सी, 54 का बी, 55 का बी, 56 का सी, 57 का डी, 58 ये ड्रॉप डाउन है तो आप इसे ड्रॉप करेंगे। फिफ्टी नाइन का डी, 60 को भी आप डी लगाएंगे, 60 को, 61 का सी, 62 का ए, 63 का सी, 64 का, 64 का आपका आएगा डी, 65 का आपका आएगा डी, 66 का आपका होगा डी, 67 का आपका होगा डी, 68 का होगा आपका सी, 69 का आपका होगा बी, 70 आपका होगा बी, 71 होगा आपका डी, 72 आपका होगा डी, 73 होगा आपका ए, 74 आपका होगा सी, 75 आपका होगा सी, सॉरी सी, तो ये वाला कब कैंसिल करेंगे, सी है, ये वाला आप कैंसिल करेंगे, आपका सी है। 76 का आपका होगा ए, 77 का आपका होगा डी, 78 का होगा आपका नो यानी कि ए, 79 का आपका होगा डायरेक्शन, डायरेक्टरी यानी कि निर्देशांक, निर्देशात्मक है सॉरी, पूर्व न्याय का सिद्धांत क्रियात्मक यानी मैंडेटरी होगा, 80 का ए, 81 का आपका होगा 26 यानी कि ए, 82 आपका होगा सेकंड, 83 आपका होगा सेकंड, 84 होगा आपका ए, 85 आपका होगा सी, 86 आपका होगा ए, 87 आपका होगा सी, 88 आपका होगा डी, 89 आपका होगा ए, 90 होगा आपका बी, 91 आपका, देखिए इसको आप क्रॉस करिएगा, डाउट में है किया नहीं है, 92 होगा आपका बी, 93 होगा आपका 88, 94 होगा आपका, 94 होगा आपका सेक्शन 96, 95 होगा आपका बी, 96 होगा आपका ए, 97 होगा आपका सी, 98 होगा आपका डी, 99 होगा आपका ए, और 100 जो होगा आपका वो होगा डी। ये थे बुकलेट के आपके 100 क्वेश्चन, बट अभी इसमें आपका क्वेश्चन रह गए थे 12 से, तो 12 पर बात करेंगे। 12 का जो है आंसर, देखिए प्राथमिक डिग्री बाद में निस्तारण हो सकता है,
फॉर द पार्टीशन विभाजन के लिए, ए सही है। ओके, जजमेंट अंडर द सेक्शन 29 मींस इसका अर्थ है स्टेटमेंट ऑफ द ग्रुप इन ऑर्डर ऑफ डिग्री, यानी कि सी आंसर इसका सही है। अंडर ऑफ सेक्शन 10 सीपीसी सुइट्स ऑफ लेवल्स, ये अभी हमने देखा तो इसका आंसर हमें डाउट लगा तो इस वजह से हमने इसे ड्रॉप किया है। आप 15 को देखेंगे तो 15 का जो आंसर है वो है बी। तो ये हैं आपके 100 के 100 क्वेश्चंस के आंसर। आप अपना स्कोर मैच कर सकते हैं कि क्या है आपका स्कोर, ठीक है। इसी तरीके के पेपर्स का सॉल्यूशन हमारे चैनल पर आपको मिलता रहेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, और भीमराव यूनिवर्सिटी के सारे पेपर्स को यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।